हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं ऑनलाइन आ गई हूँ। तो मैंने बताया था कल आप लोग को, अपडेट दे दी थी कि मैं आने वाली हूँ। कहाँ हो सब लोग? हेलो, हाय आलोक, गुड मॉर्निंग। आलोक कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आलोक जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आई एम गुड। ओके, और क्या हो रहा है सैटरडे में? मैं तो जल्द, हाउ आर यू? आई एम फाइन आलोक जी, आप कैसे हैं? मैं तो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके, अपने और भी काम फिनिश करके तब बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आ जाओ जल्दी जल्दी सब लोग। मैं तो सोकर उठा हूँ अभी आलोक जी, इतनी देर से, अभी 10:30 हो रहा है। जल्दी उठ जाना चाहिए भाई, सुबह उठ करके अपने काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेने चाहिए। और लोग कहाँ हैं भाई, सो रहे हो क्या? सब लोग सैटरडे छुट्टी मना रहे हैं। हाय मैम आराध्या, हाय आराध्या कैसी हो? आलोक क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, कहाँ गया मैसेज? मैम साइन ऑफ के बाद ही तो सोने को मजे हैं। हाँ हाँ आलोक जी, बिल्कुल सही बात है, सोने के बाद ही, सॉरी, साइन ऑफ के बाद ही सोने को मिलता है, ये बात तो मैं समझ सकती हूँ। सही है, अभी इस टाइम को अच्छे से इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो शिप पे ही जाना है और फिर रिलैक्स विदाउट एनी टेंशन। बिल्कुल सही बात है, बिना टेंशन के आप रिलैक्स कर सकते हो, कोई कॉल नहीं आनी है, कोई वेकअप कॉल नहीं है, आराम से आप सोइए। और फिर लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम से उठ जाना चाहिए। हेलो, लाइक करो भाई। राकेश वर्मा जी, हाय बुलबुल, हाय हाय राकेश जी, कैसे हैं आप? लाइक करिए मेरे वीडियो को, लाइक करिए भाई। हाय, फाइन, मैं भी अच्छी हूँ। विराल शर्मा, हेलो श्वेता जी, गुड मॉर्निंग। हेलो विराल जी, कैसे हैं आप? क्या है क्या है? एक्चुअली राकेश वर्मा जो है वो मेरे मामा जी हैं। तो मामा जी नमस्ते, और कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बोल रहे हैं क्या है बेटा? मैं बस मामा जी, मैं ऑनलाइन आई थी तो उसी लिए मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। लाइक कर दिया, थैंक यू विराल जी, थैंक यू। सब लोग लाइक करते रहा करो भाई वीडियो को, अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो। आशी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशी। नो, क्या हाल है? हाल बढ़िया है मामा जी, हाल बढ़िया है। राकेश वर्मा मामा जी हैं मेरे, वो पूछ रहे हैं क्या हाल है। हाल बढ़िया है मामा जी, और यहाँ गर्मी हो रही है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक है, क्लाउडी क्लाउडी है तो ठीक है। और रात में तो कल मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन आज सुबह फिर से गर्मी तो होती है।
आशी, कहाँ रहते हो आप? मैं मुंबई में रहती हूँ आशी। प्रमोद जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, श्वेता जी गुड मॉर्निंग। ओके ऑल मी 48 हो गए। हेलो, इलाहाबाद में 48 हो गया है। ओके टेम्परेचर, हाँ बहुत गर्मी हो रही है वहाँ पे। यहाँ पे 32 35 तक ही रहता है, तो ठीक ठाक रात में तो अच्छा मौसम हो जाता है। अभी बस जून में, यहाँ मिड ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगी बारिश, स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा मुंबई में। आलोक कान कह रहे हैं मैम वेयर आर यू? मैं मुंबई में हूँ और अभी इस समय मैं मुंबई में ही हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं तो हम लोग यहाँ पे हैं। विराल आप लाइव पे आया करो श्वेता जी। हाँ मैं कोशिश करती हूँ मैं लाइव में आने के लिए, तो जल्दी जल्दी आने की कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट किया करो भाई, मैं वीडियो को लाइक किया करो, फिर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करो। जल्दी जल्दी मेरा थोड़ा सा तो मेरी हेल्प कर दो। यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर। ओके वंश वर्मा कह रहे हैं यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर, थैंक यू वंश। बेस्ट वंश वर्मा बोल रहे हैं बेस्ट, थैंक यू वंश, थैंक यू। मैं आप लोग के लिए कोशिश करती रहती हूँ, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ जिससे आप बोर ना हो। और मेरा थर्सडे वाला व्लॉग किसने देखा? मैंने फास्ट का व्लॉग डाला था, साईं बाबा पे इतनी श्रद्धा और विश्वास मुझे क्यों है। तो अच्छा लगा करे तो शेयर किया करो भाई वीडियो को। कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की भी कोशिश करती हूँ। कौन सा ट्राईपॉड है वंश? ये जो इस समय मैं ट्राईपॉड यूज़ कर रही हूँ ये तो वो चिप चैट क्लिप्स वाला है, इस समय जो रखा हुआ है। बाकी मैंने एक और ऑक्टोपस ट्राईपॉड का भी हॉल वीडियो डाला है, उसको देखना एक बार। अच्छा है वो ट्राईपॉड, बहुत बढ़िया है, वो हैंडी ट्राईपॉड है, तो एक बार उसको देखना आप। मैम सेकंड सर क्या क्लास पर गए हैं? नहीं, वो आ गए हैं, आज सैटरडे है ऑफ है, तो अभी वो जिम गए थे, जिम से आए हैं और तैयार व्यार हो रहे हैं। मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है और मेरा टाइम था तो मैं ऑनलाइन आ गई हूँ। विराल जी क्या कह रहे हैं? मी टू कमेंट करता। अच्छा आप तो कमेंट करते रहते हैं, ठीक है यार कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है। एक सेकेंड प्रतिभा, डू यू यूज मोबाइल कैमरा और कैप? एक सेकेंड, हाँ मैं कैमरा नहीं यूज़ करती हूँ, मैं फ़ोन से ही यूज़ करती हूँ व्लॉगिंग के लिए। पूरा सब कुछ मैं अपने फ़ोन से ही करती हूँ, एडिटिंग भी फ़ोन से ही करती हूँ, शूटिंग भी फ़ोन से ही करती हूँ। लाइक करो भाई वीडियो को, 3 ही लाइक हुआ है अभी तक। सब लोग लाइक करो भाई वीडियो को। योर फेवरेट मूवी वंश? फेवरेट मूवी देखो अभी लेटेस्ट में मैंने रिसेंट में कोई भी मूवी देखी नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। शिप पे थे 6 months, उसके बाद जब से साइन ऑफ हुआ है कोई मूवी नहीं देखी है। और अगर देखा जाए पहले जो मूवी थी तो मेरी फेवरेट मूवी है विवाह। हाँ मुझे विवाह मूवी बहुत अच्छी लगती है, शाहिद कपूर की। अच्छी है, इमोशनल है, रोमांटिक है, सब कुछ है उसमें, तो ओवरऑल अगर वो मूवी देखें तो मुझे बहुत पसंद है। यस 4 लाइक हो गए। और सब लोग कहाँ हो, जाओ भाई। आज मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट किया है कैटरीना कैफ का सीक्रेट ब्यूटी टिप, जो उनका ब्यूटी सीक्रेट है, मैंने देखा तो मैंने सोचा आप लोग को भी बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोग को भी पता होना चाहिए भाई एक्टर एक्ट्रेस जो होती हैं वो कैसे अपने स्किन को ग्लोइंग ग्लो लाती हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा। यस्टरडे वाला पिक अट्रैक्टिव था, थैंक यू विराल जी, थैंक यू। वो स्नैपचैट के थ्रू मैंने क्लिक किया था।
आप सबका ब्रेकफास्ट हो गया, सबने नाश्ता कर लिया? आलोक नहीं, हाँ वो तो मुझे पता चला आप बोल रहे हो, प्रतिभा बोल रही हैं, या प्रतिभा जी, वेरी गुड, समय से नाश्ता कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। और सुबह तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा नाश्ता करना चाहिए, मतलब आप नाश्ते में हमेशा कोशिश किया करो कि हैवी जो नाश्ता हो वो करो, मतलब सारा दिन एक्टिव रहने के लिए, एनर्जी पाने के लिए। आकांक्षा, हाय हाय आकांक्षा, आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे काले चने। मैं कोशिश करती हूँ संडे सैटरडे में मैं चने ही बनाया करूँ, क्योंकि सैटरडे में चने खाना अच्छा होता है और चने में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, तो आपको अच्छा सारा दिन एनर्जेटिक बनाता है। सीमा जौरी, हाय मैम आप कैसी हैं? थैंक सीमा जौरी, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आकांक्षा कुमारी, आप कहाँ से हो? दी दी सॉरी आकांक्षा, मैं फतेहपुर से हूँ, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, मैं वहाँ से हूँ और शादी मेरी मेरठ में हुई है। मैंने इस पे पूरा एक वीडियो बनाया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जब आते हो भाई तो थोड़ा चेकआउट किया करो, स्क्रॉल किया करो, ऊपर नीचे देखा करो, कुछ वीडियोस अच्छे होते हैं तो उन्हें वॉच किया करिए। तो मैं फतेहपुर से हूँ, लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो। प्रतिभा, डू यू स्टे इन पनवेल? यस आई एम इन पनवेल राइट नाउ। आकांक्षा कुमारी, ओके दी, हाँ भाई देखा करो वीडियो को थोड़ा सा। हाँ मैं इस समय पनवेल में रह रही हूँ। वीडियो को लाइक करो भाई, 4 ही लाइक आए हैं अभी तक। चना तो ब्राउन होता है, उसको देसी चना बोलते हैं। ओके विराल जी, देसी चना, हाँ वही जो काले वाले चने होते हैं ब्राउन, उनको ब्राउन, हाँ देसी चने ही बोलते हैं आई थिंक। तो वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, उसको रात में भिगो करके और फिर सुबह आप मसाले में भी फ्राई कर सकते हो, या बॉईल कर सकते हो, या फिर स्प्राउट्स बना के खा सकते हो। वैरायटी आपके पास है, आप जो चाहो वैसे करके खा सकते हो, चने बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। कभी बिहार आइए तो मिलिएगा दी, जरूर आकांक्षा। अगर मैं बिहार आती हूँ तो आपसे मैं, मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं बिहार आ रही हूँ तो जरूर आपसे मिलूंगी आके। प्रतिभा क्या कह रही है? वेयर इज द ऑप्शन टू लाइक, सॉरी लाइक इन लाइव चैट? ओके लाइव चैट का ऑप्शन आपको आता है जब आप अपना फ़ोन खोलते हो, तो जब आप अपना यूट्यूब चैनल खोलते हो तो राइट हैंड पे जो आपका चैनल होता है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन में आता है आपका वीडियो एंड लाइव। तो जब आपको लाइव आना होता है तो आप वीडियो पे क्लिक करोगे, अगर आपको वीडियो पोस्ट करना होता है तो आप वीडियो पे क्लिक करोगे। तो लाइव, अभी मैं लाइव आई हूँ इसलिए मैंने लाइव पे क्लिक किया है। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, थोड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो टेक्निकल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे भी वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। वेयर इज द ऑप्शन टू लाइक एंड ओके लाइव के लिए, लाइव लाइक करने के लिए नीचे ही आ रहा है लाइक का ऑप्शन। वेट वेट, मेरा मैसेज जो है वो हट जा रहा है। वेयर इज द ऑप्शन टू लाइक इन लाइव चैट? ओके लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगी तो लाइक का ऑप्शन लिखा होगा, लाइक लाइव चैट करके कुछ होगा, वहां पे आप लाइक कर सकते हो। नहीं मिला, लेफ्ट हैंड पे होगा, फर्स्ट वाला ही आई थिंक होता है, लाइक के लिए ही होता है। यस लाइक हो गया, लाइक हो गया, 6 लाइक्स हो गए।
आज आप लोग के यहाँ लंच में क्या बन रहा है? मैंने आज लंच की तैयारी की है, मसूर की दाल जो काली मसूर होती है, चावल भिगो दिए, दाल भिगो के रख दिए, आटा सान के भी रख दिया है, और सब्जी बनानी है मुझे। फिर दाल फ्राई करके सैलेड कट जाएगा, खाना हो जाएगा। आप लोग कैसे खाना खाते हो, मतलब लंच में क्या प्रेफर करते हो, रोटी या फिर चावल? बार बार मुझे एक ही मैसेज पिन हो रहा है, आप लोग मैसेज नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। अच्छा, एक बात और पूछनी थी कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं? नेक्स्ट वीडियो आप ब्यूटी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, मतलब मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, या फिर कोई फेस पैक, DIY फेस पैक देखना चाहते हैं? कल के वीडियो की बात पूछ रही हूँ मैं, कल संडे है ना, कल मॉर्निंग में कौन सा वीडियो आपको पसंद है, मतलब क्या देखना चाहते हो? कोई ब्यूटी DIY या फिर कोई मेकअप ट्यूटोरियल, और या हाँ, दो ही ऑप्शन में से आप क्या देखना चाहते हो? एक्चुअली मैंने दो वीडियो शूट करके रख लिए हैं, और आप जो बोलोगे वो मैं आप लोग के लिए लाइव कर दूँगी। तो मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं आप, या फिर आप DIY करो भाई, रिप्लाई करो, क्वेश्चन पूछ लियो मैं आप लोगों से, क्या देखना चाहते हैं आप लोग? और आज भी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, मतलब ये स्टार्ट किया था कल से, और फिर मैं इसको संडे की रात में या फिर मंडे की मॉर्निंग में पोस्ट करूँगी। 3 दिन का ब्लॉग एक साथ रिकॉर्ड करके, थोड़ा थोड़ा जो इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा मतलब वही खाना बनाना और डेली का वो दिखाने से अच्छा है, मैं सोच रही हूँ कुछ आप लोग के लिए नया करूँ, तो वही मैं प्लान कर रही हूँ 3 दिन की ब्लॉगिंग करके, वो संडे रात में या फिर मंडे मॉर्निंग में डालूंगी, मतलब कल रात में या परसों सुबह। तो वो मत देखना भूलना, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। कहाँ हो भाई, मैसेज करो, बताओ कल का वीडियो क्या डालूँ, मेकअप ट्यूटोरियल डालूँ, या फिर आप DIY फेस पैक देखना चाहते हो? बहुत ही मस्त वाला धासु वाला फेस पैक है, जिसको लगा करके स्किन एकदम ग्लोइंग और ब्राइटनिंग और एकदम ग्लो मारने वाली है आपकी। मुझे बस एक प्रतिभा चौधरी का ही कमेंट शो करे जा रहा है, वेयर इज द ऑप्शन टू लाइक इन लाइव चैट, और उसके बाद कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, बार बार वही मेरे को शो कर रहा है। आ जाओ लाइव, आ जाओ, कहाँ हो? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई नहीं देखना चाहता वीडियो। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे मैसेज आ गए। ओके, और मुझे वो बार बार एक ही शो कर रहा था, आकांक्षा, तो बहुत सारे मैसेज आ गए इतनी देर में, ये क्या था? ओप्स, सॉरी सॉरी सॉरी,
इतनी देर से मुझे सिर्फ एक ही मैसेज शो कर रहा था। आकांक्षा कुमारी बोल रही हैं, लुकिंग ब्यूटीफुल दी आकांक्षा, थैंक यू। और मैं सोच रही हूँ इतनी देर से कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। प्रतिभा बोल रही है DIY, ओके नेक्स्ट वीडियो कल DIY आएगा। आपने कौन सा लिपस्टिक लगाया है दी आकांक्षा पूछ रही है। ये स्टे क्विर्की का SQ का लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है। मैंने इसका लिप स्वेचेस दिखाया है अपने चैनल पे, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्रतिभा बोल रही है हम रिप्लाई कर रहे हैं, आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। हाँ मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, अभी मैंने स्क्रॉल किया नीचे तो मुझे दिखाई दिया। दी मेरा फेयर क्या है, आकांक्षा बोल रही है दी मेरे हेयर लाइन हाई हो गए हैं, कोई टिप्स बताइए। ओके मैं आपके लिए भी टिप्स बताऊंगी आकांक्षा, हम रिप्लाई तो कर रहे हैं। सॉरी मुझे दिख नहीं रहा था। शेरे पंजाब फॉर लंच, ओके हम लोग शेरे पंजाब में लंच के लिए गए थे। अच्छा आप जा रहे हो लंच के लिए शेरे पंजाब, ओके ओके। आपको मैं चेंज करती रहती हूँ एक्चुअली। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ पे टिक के रहती हूँ, मेरे को चेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो मेकअप के लिए हो या फिर रिंग के लिए हो या नोज़ रिंग के लिए हो। मैं थोड़ा समय समय के लिए चेंज करती रहती हूँ चीज़ों को। तो मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने नोज़ रिंग चेंज कर दी है, अभी मैंने नोज़ पिन पहना है। अमृता सोनी हाय दी, हेलो अमृता कैसी हो। गुलशन कुमार गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुलशन। अमृता सोनी कैसे हो, मैं अच्छी हूँ आप कैसी हो। गुलशन कुमार बोल रहे हैं कैसे हैं, मैं अच्छी हूँ गुलशन जी आप कैसे हैं। ओके आकांक्षा कुमारी बोल रही है हाँ देखना है दी, ओके। लिट्टी चोखा खाया है दी कभी, आकांक्षा पूछ रही है। हाँ मैंने लिट्टी चोखा खाया है, और बचपन में जब हम नानी के यहाँ जाते थे ना, तो एक दिन हमारे नाना जी के यहाँ पार्टी होती थी लिट्टी चोखे की। एक्चुअली मेरे नाना जी जो है वो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही शौकीन मिजाज के आदमी हैं, वो हर चीज़ पसंद ट्राई करते हैं। तो जब हम लोग बचपन में जाते थे तो हमारे नाना जी के यहाँ लिट्टी चोखे की पार्टी होती थी, तब हम लोग वहाँ पे खाते थे लिट्टी चोखा। और ऐसे दाल बाटी टाइप तो चूरमा जो है वो बाहर खाया है, राजधानी रेस्टोरेंट्स में भी खाया है। तो और नेक्स्ट क्या था। अमृता सोनी बोल रही है दी आई लव योर वीडियोस, थैंक यू अमृता, थैंक यू। मैं भी ठीक हूँ अमृता, मैं भी अच्छी हूँ, ये अच्छी बात है। श्वेता जी क्या कौन सी बात, एक्चुअली वो बहुत सारे मैसेज ऊपर नीचे हो गए ना विराल जी, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया कौन सी बात अच्छी है। पता नहीं क्या हुआ था, और मैं सोच रही इतनी देर से कोई मुझे मैसेज ही नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा। मैं भी लिट्टी चोखा खाया हूँ गांव में, ओके गुलशन मैं भी खाई हूँ। लाइक करो यार वीडियो को, लाइक करो। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज, अच्छा था, अच्छा सेशन चला, काफी बढ़िया लाइव सेशन हुआ आप लोगों से बात करके। आ जाओ भाई आ जाओ फिर। अब मैं आकांक्षा कुमारी दी मैं लाइक कर दी, ओके थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू। आपने कितने जगह ट्रेवल किया, एक सेकेंड मैसेज कहाँ गायब हो जाता है। आपने कितने जगह ट्रेवल किया है, प्रतिभा पूछ रही है। ट्रैवल किस चीज़ से ट्रैवल किया है, मतलब शिप से या फिर ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में घूमने वाली बात पूछ रहे हो आप, कहाँ पे ट्रैवल के लिए पूछ रहे हो। घूमने के लिए अगर आप पूछ रहे हो ट्रैवल के लिए, बोथ ओके। नॉर्मली कितने स्टेट्स में देखो शिप से जो मैंने बताया ही है कि मैं पहले भी दो शिप कर चुकी हूँ। तो अगर देखो कि मैंने शिप से दो कंट्री मैं गई, दुबई गई हूँ और कोलंबो गई हूँ, ठीक है। और बाकी हम लोग की जितने भी शिप थे हमने इंडियन कोस्टल लिए थे बिकॉज ऑफ साइन ऑफ का बहुत लफड़ा, मतलब बहुत मुश्किल होती है, तो साइन ऑफ के लिए हम लोग इंडियन कोस्टल शिप पे ही ज्वाइनिंग करते हैं जिससे कि हमारा साइन ऑफ ईजीली हो सके। तो घूमने के लिए मैं बहुत घूमी हूँ, बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, शिप से भी घूमी हूँ और ऐसे भी बहुत सारा जगह मैं घूमी हूँ।
अपनी जिंदगी के ट्रैवल के बारे में बताएं। ज़रूर बताऊंगी, और ट्रैवल के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपना कश्मीर का एक वीडियो डाला है जो मेरा फर्स्ट ट्रिप था आफ्टर मैरिज, ठीक है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं दुबई का भी बनाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ मैं अपना पहला शिप का जर्नी बनाने वाली हूँ कि फर्स्ट शिप मेरी कैसी थी, क्या क्या कहाँ कहाँ गई मैं, क्या मेरी उसकी मेमोरीज थी। एक्चुअली बहुत सारा ना मेरे पास कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन वीडियोस नहीं है। पहले क्या होता था ना, बहुत कम वीडियो शूट होते थे। अभी जो कश्मीर वाला वीडियो मैंने बनाया है, मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि मैं उसको अच्छा डिस्प्ले, मतलब आपको अच्छा प्रेजेंट करके दिखाऊं, लेकिन तब का फ़ोन की क्वालिटी में और शूटिंग के आइडिया में थोड़ा सा ऐसा नहीं था। मतलब अब जो मैं शूट करती हूँ, मैं उसको ये ध्यान करके शूट करती हूँ कि आपको मुझे वीडियो बना के दिखाना है, लेकिन तब तो बस नॉर्मल ऐसे ही हो जाता था। मेरे मैसेज आपको नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं विराल जी, आपके भी मुझे मैसेज मिल रहे हैं और मैं पढ़ती जा रही हूँ जो जो मैसेज मुझे दिखते जा रहे हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, अपने ट्रैवल का भी बनाऊंगी। ट्रैवल बुक सोच रही हूँ मैं बना देती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल मैंने कर रहा है, तो फर्स्ट शिप, सेकेंड शिप एंड थर्ड शिप, इसकी जर्नी भी बनाऊंगी मैं आपके साथ। बट वीडियोज उसमें थोड़े कम होंगे, फोटोज के थ्रू मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। और क्या आप पूछना है आप लोगों को? मेरे मैसेज आपको शो नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं विराल, डिलीट भी हो रहे हैं मैसेज, आप डिलीट कर रहे हो, ये क्या है? गुलशन जी, मर्चेंट नेवी जॉब अच्छा है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ गुलशन जी, जॉब बहुत अच्छा है, बस वही है कि अगर आपको अच्छा लग गया तो आप वहाँ रह सकते हो, अगर आपका मन हट गया तो आप नहीं रह सकते हो। तो कभी भी शिप पे जाएं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा पॉजिटिव रहें, ज़रूर अच्छा लगेगा, और जहाँ भी रहें इंजॉय करें। अमृता दी, होम ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो भी शेयर करिए। ओके, मैं होम ऑर्गेनाइजिंग का भी वीडियो शेयर करूंगी अमृता जी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ उसका होम ऑर्गेनाइजिंग का मैं बनाऊंगी कि कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो, अभी तक 7 ही लाइक है। ओके अमृता, या मैं जरूर बनाऊंगी, वीडियो को लाइक कर दो, बार बार याद दिलाना पड़ता है भाई आप लोगों को। आई लाइक इट ऑलरेडी योर वीडियो, थैंक यू अमृता। आप लोगों से बात करते टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, अभी देखो 28 मिनट हो चुका है और 29 मिनट स्टार्ट हो गया है, टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है पता नहीं चलता। आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है क्या? प्लीज़ टेल मी फर्स्ट। फूड फूड, ओके 1 मिनट, फूड जोन मेरे से पूछ रही हैं आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आया है क्या? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव कैसे, कौन सा उतार चढ़ाव, मतलब किस सेंस में आप पूछ रहे हैं मुझसे? इस बारे में आप मुझे बताएं तो फिर मैं आपको बताती हूँ उतार चढ़ाव कैसा, सब मतलब कैसे समझाऊं मैं उतार चढ़ाव। विराल जी, आपके हैंड के साइड में टैटू है? हाँ विराल जी, मेरे हाथ में टैटू है। गुलशन, पीहू कैसी है मैम? गुलशन जी, पीहू अच्छी है और वो अभी अपने डैडी के साथ है, खेल रही है। कुछ भी उतार चढ़ाओ, ओके कुछ भी उतार चढ़ाओ, मतलब मैं ना समझी नहीं उतार चढ़ाओ का, क्या उतार चढ़ाओ बताऊं मैं। शुभम बोल रहे हैं, हेलो मैम हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ शुभम जी, आप कैसे हैं? इतनी लेट आए आप, 11 बज गया शुभम, कहाँ थे अभी तक? हाँ तो आप मुझे टैटू के लिए पूछ रहे थे, टैटू जी हाँ मैंने टैटू बनवाया है, लास्ट वैलेंटाइन डे पे बनवाया था ये टैटू, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने सेम सेम टैटू बनवाया था, बस मेरा थोड़ा सा गर्लिश है और उनका थोड़ा बॉयज वाला है, मेरे में बो बना हुआ है, उनके में चेन बनी हुई है, तो हम दोनों ने साथ में ये टैटू बनवाया था।
लास्ट फेब में, एक साल हो गया हमारे टैटू को। उतार चढ़ाव मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं आपको। दे आस्किंग फॉर लाइफ स्टेबिलिटी, वो तो मैं समझ गई। मतलब उतार चढ़ाव में मैं क्या बताऊं, उतार चढ़ाव क्या है, मतलब कभी देखिए कभी भी दिन एक जैसे नहीं होते हैं हमेशा, कि आप हमेशा एक जैसे ही रहते हो, वो बात मैं समझ गई। लेकिन फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उतार चढ़ाव का। नेक्स्ट लाइव में कोशिश करूँगी बताने के लिए कि उतार चढ़ाव क्या है। फूड जोन, यस ओके। फिर मुझे एक ही मैसेज शो करने लगा बार बार। मुझे एक ही मैसेज क्यों बार बार आ रहा है, फिर वही हो जाएगा कि सारे मैसेजेस तो आ रहे हैं। एंकर टैटू ब्यूटीफुल, गुलशन जी बोल रहे हैं, थैंक यू गुलशन जी। शुभम नाइस, थैंक यू गुलशन, हैंड्स फॉर हैंड्स। चलो भाई अब आधे घंटे हो चुके हैं और अब मैं सोचती हूँ अब मुझे बंद कर देना चाहिए लाइव का, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से बात कर लिया, अच्छा लगा बात करके। तो कल का वीडियो आने वाला है DIY फेस पैक, और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ज़रूर ट्राई करिएगा ये। एक बार आप इसको ट्राई करके देख लिए ना, जिस मेथड से मैंने बताया है, तो फिर आप और कोई फेस पैक लगाना ही भूल जाओगे, बता रही हूँ 100% बोल रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करना। आलोक बाय, आलोक बाय आलोक जी, और सब लोग बाय बोल दो भाई, मैं भी चलूं। ओके मैम, गुलशन बोल रहे हैं, ओके गुलशन बाय। मैम शॉप स्टॉप कब आओगे आप मेरठ? पता नहीं अब मेरठ कब आएंगे, जब भी आएंगे तो शॉप स्टॉप जरूर आएंगे। गुलशन बाय, विराल ऐसा नहीं होता 60 मिनट हो क्या, 60 मिनट तो करना चाहिए, करना तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर सकती हूँ। बट देखो ये मेरा जो ये काम है यूट्यूब, ये मैं पार्ट ऑफ टाइम, मतलब पार्ट ऑफ जॉब ही रखना चाहती हूँ। मेरे पास मेरा एक छोटा बच्चा भी है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विराल जी बोल रहे हैं ओके बाय, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी 60 मिनट्स का वॉच लेकर के लाइव आने के लिए। टेक केयर, थैंक यू विराल जी, थैंक यू, सेम टू यू। और मैं नेक्स्ट टाइम पूरा ट्राई करूंगी कि आपके लिए 60 मिनट का लाइव लेकर के आऊं। शुभम ओके मैम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, सेम टू यू शुभम जी। चलो एवरीवन अब मैं ये वीडियो स्टॉप कर देती हूँ, मिलती हूँ एक और लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर।